कृषक मित्रों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है। कृषक साथियों, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से जाना जाता है। हमारे किसान एवं बागवानों के द्वारा सब्जियों का उत्पादन भी बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। चाहे बेमौसमी सब्जियों की बात हो, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो हरित गृह में, ग्रीन हाउसेज में हमारे बागवान एवं किसानों के द्वारा उगाई जा रही है। आज ऐसी ही कुछ सब्जी प्रजाति जो आम हमारी सब्जियां हैं उनकी हम बातचीत करने जा रहे हैं, और इस बातचीत में भाग लेने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट सोलन से डॉक्टर सीमा ठाकुर, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है। इनसे हम बातचीत करेंगे टमाटर और शिमला मिर्च की खेती हिमाचल प्रदेश में हमारे बागवान एवं किसानों के द्वारा कैसे गुणवत्ता युक्त पौध से गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सीमा ठाकुर, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन। हमारे बागवान साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले उनके मन में यही बात उठ रही है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला मिर्च और टमाटर की खेती की महत्ता और संभावनाएं क्या है। हिमाचल प्रदेश में टमाटर और शिमला मिर्च की खेती की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जिसको कह सकते हैं कि वो आकाश तक लिमिट जाती है इसकी। तो अगर टमाटर और शिमला मिर्च की बात करें तो हमारे किसान जो है व्यावसायिक फसल उत्पादन में टमाटर और शिमला मिर्च को अभी उत्पादन कर रहे हैं, और अगर पूरे एरिया की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो पूरे हिमाचल में 11,750 हेक्टेयर एरिया जो है वो टमाटर में आता है, जिसका कि 50% एरिया, 4,880 हेक्टेयर एरिया जो है अकेला सोलन डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम शिमला मिर्च की बात करें तो 2,500 हेक्टेयर के करीब एरिया जो है वो शिमला मिर्च में है, जिसका कि आधा प्रक्षेत्र जो हमारा है वो सोलन जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर संभावनाओं की बात की जाए तो संभावनाएं बहुत है। अगर हम पॉली हाउस उत्पादन शुरू करते हैं, जितना ज़्यादा हम पॉली हाउस उत्पादन शुरू करते हैं तो उतनी ज़्यादा हमें गुणवत्ता युक्त सब्जियाँ मिलेंगी, उतना ज़्यादा हम